राजस्थान के झुंझुनू जिले में शराब माफियाओं का खौफनाक चेहरा सामने आया है। यहां सूरजगढ़ थाना क्षेत्र के बलोदा गांव में शराब माफियाओं ने एक दलित युवक की पीट पीट कर जान ले ली। उसके हाथ पांव बांधकर उसको इतना बेरहमी से पीटा कि युवक की जान ही चली गई। मारपीट का वीडियो हम आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि वीडियो आपको विचलित कर सकता है। वीडियो के वायरल होने पर पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें से एक नाबालिग भी निरुद्ध है। आरोप है कि बदमाशों ने पीड़ित युवक को 6 घंटे तक टॉर्चर किया। इस घटना के बाद अब सोशल मीडिया पर राजस्थान के CM भजन लाल शर्मा की लॉ एंड ऑर्डर को लेकर किरकिरी हो रही है। सोशल मीडिया पर हैशटैग भजन लाल शर्मा इस्तीफा दो ट्रेंड कर रहा है। दरअसल पूरा मामला बलोदा गांव के रहने वाले रामेश्वर वाल्मीकि और जेठूराम नायक 14 मई को बाजार से लौट रहे थे। तभी आरोपी उन्हें जबरन अपनी बाइक पर बिठाकर ले गए और एक हवेली में ले जाकर वहां पर बेरहमी से पीटा। अचेत होने पर उसे हरियाणा के एक प्राइवेट अस्पताल में पहुंचाया, जहां उसकी मौत हो गई। उसके बाद बदमाश रामेश्वर को उसके घर के पास फेंक कर चले गए। पुलिस ने इस मामले में दीपेंद्र सिंह चिंटू, प्रवीण उर्फ PK, प्रवीण उर्फ बाबा, सुभाष उर्फ चिंटू और सतीश उर्फ सूखा को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि 4 आरोपियों के खिलाफ पहले से ही आर्म्स एक्ट के तहत मामले दर्ज हैं। दीपेंद्र सूरजगढ़ थाने का हिस्ट्री शीटर है, पुलिस कार्रवाई में जुटी है। इस बीच तफ्तीश में सामने आया कि मृतक व्यक्ति का कसूर सिर्फ इतना था कि वो उनके ठेके से शराब नहीं खरीदता था। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि शराब ठेका कर्मियों और अवैध शराब बनाने वालों के बीच लंबे समय से रंजिश है, जिसके तहत आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया। इसी सब के बीच राजस्थान के करौली जिले से आज एक और दिल दहलाने वाली घटना सामने आई, जिसने पूरे प्रदेश को फिर से शर्मसार कर दिया। इस घटना में 11 साल की मूक बांधिर बच्ची को पेट्रोल डालकर आग लगा दी, जिसकी घटना के 11 दिन बाद अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। इन दोनों घटनाओं के बाद लोगों में भारी रोष है। लोग सोशल मीडिया के जरिए अपनी आवाज बुलंद करते हुए राजस्थान सरकार पर सवाल उठा रहे हैं और CM के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इस वक्त एक्स पर भजनलाल शर्मा इस्तीफा दो और डिंपल मीणा को न्याय दो हैशटैग टॉप पर ट्रेंड कर रहा है। इस पूरे मामले पर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भजनलाल शर्मा सरकार पर निशाना साधा, कहा कि आए दिन प्रदेश भर में ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। प्रदेश में भाजपा सरकार आने के बाद दलितों के खिलाफ अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं। मीडिया में इमेज मेकिंग में व्यस्त राजस्थान सरकार इन घटनाओं को गंभीरता से नहीं ले रही। वो आगे की इनकी पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए कार्य करे। फिलहाल ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार अब कोई कड़ा नियम बनाएगी या फिर राज्य में ऐसे ही दबंगों का खौफ जारी रहेगा, ये तो देखने वाली बात होगी।